नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्र और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता जी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिवसीय आरजेडी की कार्यकारी बैठक है और कल इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा कि लालू यादव जी एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बैठक चल रही थी, काफ़ी लंबा बैठक चला, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया पार्टी को और मजबूती देने के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए? राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह अंतिम बैठक थी और इसमें जो विगत दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक चुनाव हुए हैं उनको संपन्न कराने के संदर्भ में जो प्रस्ताव थे और जो हमारा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल और अन्य जो कमिटमेंट हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो आधार हैं, जो हमारी प्रगति है, पार्टी का विस्तार हुआ, सदस्यता अभियान बना, इन संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि कल पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसके बाद राष्ट्रीय खुला अधिवेशन है, उसमें हम माननीय यह पूरा का पूरा कुनबा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो अभी नया चुनाव हुआ है और वो फिर से बने हैं उनको विधिवत रूप से घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ताओं को, मतलब जो यहाँ उपलब्ध हैं दिल्ली में, उनको संबोधित करेंगे। बिहार में एक बार फिर से लालटेन की सरकार बनी है, अब आप डबल इंजन की फिर से सरकार चल रही है आरजेडी और जदयू की तरफ से, लेकिन ऐसे में तेजस्वी जी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो भी उनको मंत्रालय सौंपा गया है उसमें नए नए फैसले हर दिन लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर जी की तरफ से कहा गया कि क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं इसीलिए वो नौवीं फेल होने के बावजूद भी वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए और यहाँ नौवीं पास बच्चे भी क्या कहते हैं चपरासी नहीं बन पाते। मैं गैर राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैं प्रशांत किशोर जी को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति समझता हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में कि जब राजनीति की समझ आ जाएगी तब वो फिर पटरी पर आ जाएंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल एक बार फिर से लालू जी की मुश्किलें खड़ा होते हुए नजर आ रही है। लालू जी के खिलाफ एक बार फिर से भूमि लेकर जमीन देने का जो विवाद है उसको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, परिवार समेत पार्टी के कुल 16 लोगों पर के नाम पर चार्जशीट दाखिल किया गया। क्या लगता है एक बार फिर से परिवार, लालू परिवार और पूरा आरजेडी कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नजर आएगा, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से बार बार लालू जी पर ऐसे इल्जाम लगाते आ रही है, ऐसे चार्जशीट फाइल करते आ रही है, इसको लेकर आरजेडी अगला कदम कैसे उठाएगा? जिनके पास जन समर्थन समाप्त हो गया नहीं है वो ऐसे ही चीज़ों का सहारा लेकर हमारे नेता को, उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य का रास्ता इसी तरह कंटकाकीर्ण होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी इन फांसीवादी ताकतों के सामने घुटना नहीं टेका, आज भी कितना भी कष्ट हो वो नहीं टेकेंगे, जनहित में और देश की जनता उनके साथ है, इसलिए हम लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री आलोक मेहता और इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से लालू यादव पर फिर से जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त भूमि लेकर नौकरी देने की जो बात है उसका क्या कहते घोटाला सामने आया है, इसको लेकर चार्जशीट दाखिल किया गया कोर्ट में। तो इस पर आलोक मेहता जी का कहना है कि भाजपा करवा रही है, भाजपा फिर से एक बार चाहती है कि सीबीआई और सीआईडी जैसे संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि इन 2 दिवसीय कार्यकारी बैठक पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है और राष्ट्रीय जनता दल इस बैठक के बाद और कितनी मजबूती से देश भर में अपनी राजनीति कर पाती है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।